नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चलिए आपको बताते हैं कि आज धन और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें कौन सी हैं। मलमास के पावन उपलक्ष्य में आज से खाटू श्याम राजस्थान में आरंभ होगी 15 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धे राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आज से सोनीपत हरियाणा में आरंभ होगी शिव तत्व कथा। 18 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को भगवान भोलेनाथ की महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार टीवी पर इस कथा को देख सकते हैं। कल से सिरसागंज उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार टीवी पर इस कथा को देख सकते हैं। 21 दिसंबर से जोधपुर राजस्थान में आरंभ होगी श्री राम कथा। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूजा महामंडलेश्वर मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगी। आप सुबह 10 बजे से संस्कार टीवी पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 24 दिसंबर से कर्नूल आंध्र प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री भागवत के रहस्यों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आप दोपहर 3:30 बजे से संस्कार चैनल पर इस कथा को देख सकते हैं। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर की जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई और यातायात की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानदारों को हाईकोर्ट की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। आदेश के बाद अब उन्हें मंदिर परिसर से अपनी दुकानें हटानी होंगी। बाबा विश्वनाथ का धाम 13 दिसंबर से आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर देश का पहला मंदिर होगा जहां प्रवेश से लेकर दर्शन तक दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी आएंगे। इस अवसर पर वो 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। 24 दिसंबर से जावर सीहोर में आनंद लीजिए शिव महापुराण कथा का। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य महेश गुरु जी लोगों को भगवान शिव की महिमा से अवगत कराएंगे। 18 दिसंबर से बिड़ला मातोश्री ऑडिटोरियम मरीन लाइंस में आरंभ होगी श्रीराम कथा। 26 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य मुरारी बापू जी श्रोताओं को प्रभु श्रीराम के बताए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देंगे। 5 जनवरी से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 11 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। 20 दिसंबर से बालीगंज कोलकाता में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 26 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य मनुपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। कुरुक्षेत्र हरियाणा में जल्द ही गीता शोध केंद्र बनाया जाएगा। पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए तरीके से निखर रही केदारपुरी को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को अब तांबे की बोतलें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसका निर्माण स्थानीय लोग ही करेंगे। काशी में कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के बाद अब 8वीं सदी की योगिनी की प्राचीन मूर्ति 100 साल बाद बुंदेलखंड लाई जाने वाली है। केरल सरकार ने 12 दिसंबर से सबरीमाला आने वाले तीर्थयात्रियों को भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए चढ़ाई करने से पहले पवित्र डुबकी लगाने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति पहले नहीं थी। केंद्र सरकार प्रसाद योजना के तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का कायाकल्प करने पर विचार कर रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर पर्यटन के नक्शे पर जल्द ही दिखेगा। झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग 200 करोड़ रुपए खर्च कर योजनाओं को जमीन पर उतार रहा है। बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए जोधपुर शहर के सभी मंदिरों में श्रीनाथ जी के मंदिर के तर्ज पर भगवान की प्रतिमा को गर्म ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें info@sanskargroup.in पर। फिर उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।